ओके, लास्ट टाइम शीट नंबर 12 हमने सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल से स्टार्ट किया था और इसके कुछ क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किए थे और कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए भी दिए थे। तो सब्जेक्टिव शीट नंबर 12 के अंदर ये सारे क्वेश्चन यहाँ तक हमने कर लिए थे। और क्वेश्चन नंबर 11, कितने लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट है? कितनों ने ट्राई की असाइनमेंट? ट्राई की, कितने में डाउट है? डाउट है। तो थ्री आइडेंटिकल सेल्स, तो तीन आइडेंटिकल सेल्स हैं, 2V 2V 2V, 2 वोल्ट के हैं, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आपके सामने ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन 5 ओम के साथ कनेक्टेड है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल का 1.5 है, आपको क्या निकालनी है? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमने लास्ट टाइम किया था, ये तीन सेल्स हैं आइडेंटिकल हैं, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस एक बैटरी का 2 वोल्ट ही आएगा, तो 2 वोल्ट आएगा और तीनों पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/3 आएगी। तो R/3 इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस E/V-1, तो यहाँ से सॉल्व करके R आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कोई डाउट? इस क्वेश्चन में डाउट जिन्होंने सॉल्व किया हो चेक करो, क्लियर है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में डाउट ऑनलाइन वालों को? क्लियर है 13? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में डाउट? 14th में, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड। तो आपको कम से कम सेल्स बताने हैं कितने लगेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स बताने हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1.5 एम्पियर थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम एक्सटर्नल गिवन है एंड EMF ऑफ ईच सेल इज 1.5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1। पहली बात तो ये कौन सी ग्रुपिंग है, सीरीज बोला नहीं, पैरेलल बोला नहीं, तो क्या होगा? मिक्स्ड होगी। मिक्स में टोटल नंबर ऑफ सेल्स निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं मिक्स में? n into m। तो आपको n और m निकालने हैं। करंट आप क्या चाहेंगे मिक्स ग्रुपिंग में? मैक्सिमम हो, और मैक्सिमम करंट के लिए मिक्स ग्रुपिंग की क्या कंडीशन होती है कि कैपिटल R किसके इक्वल होता है? इंटरनल के। मैक्सिमम होगा क्योंकि हम ग्रुपिंग ऐसी करते हैं कि करंट मैक्सिमम हो, अदरवाइज तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। मैक्सिमम के साथ ही होगा, मिनिमम जीरो होगा वो हम चाहेंगे नहीं, मैक्सिमम के साथ सॉल्व कर देंगे। बीच का क्या करंट होगा मुझे पता ही नहीं, तो फिर मैं आंसर निकाल नहीं पाऊंगा। मिक्स ग्रुपिंग में मैक्सिमम करंट से ही किया जाएगा। तो मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला क्या करवाया था? Ne/2R। तो कैपिटल R इसके इक्वल था, तो इसमें कैपिटल R पता है, स्मॉल R पता है, तो N और M का रेशियो आ गया। करंट की वैल्यू 1.5 गिवन है, यहाँ से कैपिटल R पता है और यहाँ से E पता है, तो यहाँ से N आ गया, N आ गया, N आ गया, तो यहाँ से M आ गया, और N into M क्या आ गया? टोटल नंबर ऑफ सेल्स कैन बी कैलकुलेटेड। तो क्लियर है यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें? तो ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है? यस सर। 15th में डाउट? यस सर। 15th, तो कितनों से हो गया ये क्वेश्चन, कितनों को डाउट है? सो 15th करा दो। 15th में है डाउट। ठीक है, टू आइडेंटिकल सेल्स वेदर जॉइंड इन सीरीज और इन पैरेलल गिव द सेम करंट। सीरीज में या पैरेलल में सेम करंट है, तो जब दो आइडेंटिकल सेल सीरीज में होंगी तो 2E EMF होगी। सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी? 2R, और एक्सटर्नल इसमें 1 है। पैरेलल के अंदर EMF क्या होगी? E और E बैटरी पैरेलल में, तो E, और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? इंटरनल R/2, एक्सटर्नल तो अभी भी 1 है। तो करंट दोनों में एग्जैक्टली सेम है, दोनों को इक्वेट करके आंसर आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो एक बार सीरीज में, एक बार पैरेलल में, और फिर दोनों करंट को क्या कर देना है? इक्वेट कर देना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 में डाउट है, इसमें दो बैटरीज हैं, वो कह रहे हैं अ सेट ऑफ 4 सेल्स ईच ऑफ 2 वोल्ट, दो दो वोल्ट, एंड रेजिस्टेंस 1.5 अक्रॉस लोड ऑफ 10 ओम। लोड का मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम है। 2 सेल्स इन ईच ब्रांच, दो सेल्स दो ब्रांचेज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स 4 हो गए। तो इसमें ये दोनों किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। तो टोटल EMF क्या आएगी? E+E 2E। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आएगी? R+R 2R, और ऐसी इसके अंदर E+E 2E और रेजिस्टेंस कितनी? 2R, और एक्सटर्नल 10। अब ये दोनों किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। आइडेंटिकल बैटरीज हैं, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आइडेंटिकल बैटरीज में 2E और 2E आपको क्या देगी? 2E ही देगी। और क्योंकि ये 2R है, ये 2R है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व करके क्या आएगी? R। तो ये दो बैटरी की जगह एक बैटरी आ गई। तो करंट क्या होगा इसमें? करंट विल बी इक्वल टू टोटल EMF 2E
अपॉन टोटल रेजिस्टेंस दैट इज सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ये रहा। तो यहां से आपके पास कैपिटल ई की वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल आर और स्मॉल आर आपको गिवन है, यहां से सॉल्व करके आंसर आएगा। कैपिटल आर की वैल्यू 10 ओम है ना, एक्सटर्नल लोड का मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, लोड मींस रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल लोड मींस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10। मैं आप ये पूछ रहे हो कि क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में कि कैपिटल आर और 10 ओम एक ही बात है, तो कैपिटल आर मींस एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर बिल्कुल ठीक है, एक ही बात है। इसमें मिक्स ग्रुपिंग क्या चाहोगे, करंट निकालना सीधा, मेरे को नहीं लगता। मिक्स ग्रुपिंग तो तब करते हैं जब करंट मैक्सिमम हो, वो इसमें मिक्स ग्रुपिंग का प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो इक्विवेलेंट बैटरीज की प्रॉब्लम है। तुम्हें क्या पता कि उसने सही कनेक्ट किया कि गलत कनेक्ट किया मिक्स ग्रुपिंग में, तुम्हें क्या पता कि अंदर की क्या करंट निकल रहा है, उसने तो नहीं कहा कि मैक्सिमम करंट निकालो, तो और तुम्हें क्या पता कि अरेंजमेंट मिक्स ग्रुपिंग में जान के किया, बस आपको ये टोटल करंट बताना है। हमने पूरी असाइनमेंट में क्या किया, इक्विवेलेंट ईएमएफ की बात की, इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया। मिक्स ग्रुपिंग के क्वेश्चन किसी और तरीके के होते हैं, जैसे ऊपर किए एन और एम के साथ, नंबर ऑफ सेल्स निकाल लो, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं मिक्स ग्रुपिंग की, ठीक। ये तो सीधा इक्विवेलेंट उससे निकल आएगा, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद जो नेक्स्ट शीट थी वो शीट थी सब्जेक्टिव शीट नंबर 13। कितने लोगों ने ट्राई की, ट्राई की, अभी भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने ट्राई नहीं की, अभी भी हाथ खड़ा नहीं, क्या करके आए मुझे समझ में नहीं आ रही। तो आपको करनी चाहिए सब्जेक्टिव शीट नंबर 13, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स ने ट्राई की, यस सर, ठीक है, यस सर। तो देखो इसके अंदर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एक वायर है और वायर सर्कुलर इन शेप है, तो जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर है, तो पूरी वायर की रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, ठीक है यहाँ तक। आपको इस वायर के अक्रॉस दो पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट ए गिवन है, एक पॉइंट बी गिवन है, और जो कि ये एंगल कितना बना रहे हैं, सेंटर पे थीटा एंगल बना रहे हैं, और रेडियस इसका स्मॉल आर है। तो वो कह रहा है कि अगर मैं ए और बी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं तो क्या होगी, हालांकि टोटल रेजिस्टेंस क्वेश्चन में कैपिटल आर गिवन है, वो आपसे पूछ रहा है कि इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं आपको इसकी रेजिस्टेंस बता दूं नीचे वाले की R1, ऊपर वाले की रेजिस्टेंस बता दूं R2, तो ये दोनों किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल, तो टोटल आंसर जो आएगा वो ये आ जाएगा। तो मुझे सिर्फ क्या बताना है आपको, ऊपर और नीचे की रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है, राइट, क्लियर है यहाँ तक। तो एक काम करते हैं, ये एंगल थीटा है, ये जो लेंथ है आर्क, इस क्वेश्चन में टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है और रेजिस्टेंस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द लेंथ ऑफ द वायर, कि अगर मान लो टोटल लेंथ ऑफ द वायर 2πr है तो रेजिस्टेंस उसकी कैपिटल आर है। तो इसकी आर्क की वैल्यू अगर निकालनी हो तो ये सेक्टर है, सेक्टर में एंगल इज आर्क बाय रेडियस, तो एंगल इज आर्क बाय रेडियस, तो आर्क क्या आएगी, एंगल इंटू रेडियस। ऐसे ऊपर वाला जो आर्क है उसने सेंटर पे क्या एंगल बनाया, 2π - थीटा, तो यहां पे लेंथ क्या आएगी, आर इंटू थीटा, नहीं आर इंटू 2π - थीटा, तो एक में एंगल थीटा, एक में एंगल 2π - थीटा, तो ये आपके पास आर थीटा, ये आपके पास आर इंटू 2π - थीटा, तो लेंथ समझ में आ गई। अब क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो नीचे वाले पोर्शन की जो रेजिस्टेंस होगी वो कैसे आएगी, रेजिस्टेंस कैपिटल आर है कितनी लेंथ की, 2π smaller लेंथ की, तो हमने क्या ले लिया, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को अगर हम लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी रेजिस्टेंस, तो अगर L1 लेंथ है तो L1 की रेजिस्टेंस आ जाएगी, और अगर L2 लेंथ है तो R/2πr को L2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो L2 की रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो इस केस में L1 तो हम निकाल चुके हैं R थीटा, तो ये R1 आ गया, और L2 हम निकाल चुके हैं R into 2π - थीटा, R2 आ गया, R1 आ गया, R2 आ गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में R1 into R2 / R1 + R2, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा जो भी आएगा आंसर है। तो लॉजिक समझ में आ रहा है, पहले नीचे की रेजिस्टेंस निकालनी है, ऊपर की रेजिस्टेंस निकालनी है, और रेजिस्टेंस आएगी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करके, फिर उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन में आंसर आएगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको, कोई डाउट इसमें, ऑनलाइन वालों को क्लियर है,
यस सर। क्वेश्चन नंबर टू, कितने लोगों को डाउट है याद रखना फिर भी, एक इलेक्ट्रॉन जब भी घूमता है सर्कल में तो वो कितना करंट में कंट्रीब्यूट करता है, एक ही फॉर्मूला है, चार्ज अपॉन टाइम। और टाइम क्या लेना होता है, एक चक्कर का टाइम, एक चक्कर के टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड। आपको वेलोसिटी गिवन होगी, टाइम पीरियड को लिखना पड़ेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 2πr अपॉन स्पीड। और चार्ज तो पता ही है इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, ई। तो यहां से सॉल्व करके टर्म आ गई, ई पता है, वी पता है, आर पता है, यहां से आंसर आएगा। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर थ्री, कितनों को डाउट है, कितना हो गया ये ठीक? ऑनलाइन वालों को डाउट? यस सर डाउट। डाउट है, दो वायर्स हैं, पहली वायर एल्यूमिनियम की वायर है जिसका डायमीटर गिवन है आपको, वो वायर सीरीज में कनेक्टेड है कॉपर वायर के साथ, कॉपर का डायमीटर गिवन है। तो रूल नंबर वन, जब आपको एल्यूमिनियम का डायमीटर पता है तो आप एल्यूमिनियम की वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल दें, पाई डी स्क्वायर बाय फोर, या पाई आर स्क्वायर में रेडियस को डी बाई टू पुट करेंगे, पाई डी स्क्वायर बाय फोर, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एल्यूमिनियम का आ गया। उसी तरीके से कॉपर का भी डायमीटर गिवन है तो कॉपर का भी एरिया कैन बी कैलकुलेटेड, आ गया। क्योंकि दोनों वायर्स किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में क्या चीज सेम रहेगी, करंट। दोनों वायर्स अगर सीरीज में है तो सीरीज में करंट सेम रहेगा, और करंट हमारे पास है कितना इसमें, 10 एम्पियर। हमने क्या निकालनी है, करंट डेंसिटी। तो पहले केस में करंट डेंसिटी क्या होगा, करंट अपॉन एल्यूमिनियम का एरिया, करंट इसमें 10 एम्पियर लेना है। दूसरे केस में, कॉपर के केस में करंट अपॉन एरिया से भी हो सकता है, मैंने हालांकि वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट जो बाद में यूज कर रही है, पर अगर करंट डेंसिटी कॉपर की पूछी जाए तो कॉपर का करंट अपॉन कॉपर का क्रॉस सेक्शन एरिया, तो दो तो करंट डेंसिटीज आ जाएंगी। अगर आपको वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट निकालनी है कॉपर के अंदर तो करंट इसमें के अंदर भी क्या पुट करेंगे, 10 ही पुट करेंगे, तो आई बाय एन ए से आंसर आ जाएगा। लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा यूज करेंगे, कॉपर का यूज करेंगे, क्योंकि ये केस किसके लिए सॉल्व हो रहा है, कॉपर के लिए। तो क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, क्वेश्चन नंबर फोर में डाउट, रियोस्टैट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो रियोस्टैट की प्रॉब्लम है ये, कुछ नहीं, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, बस वायर को घुमा रखे हैं नंबर ऑफ टर्न्स के साथ। ऑनलाइन वालों को डाउट? नो सर। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव में डाउट, कितनों का हो गया, फाइव? यस सर, इसमें डाउट है। गिवन रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, रेजिस्टिविटी क्या होती है, रो, फाइंड अमाउंट ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ वायर 10 किलोमीटर लॉन्ग, रेजिस्ट लेंथ गिवन है और आपको इसकी रेजिस्टेंस भी गिवन है और डेंसिटी भी गिवन है, क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ कॉपर, मास निकालना है, डेंसिटी भी गिवन है, बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, तो मास इज एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी। अब प्रॉब्लम क्या है, आपको लेंथ गिवन है 10 किलोमीटर, आपको रो भी पता है इसमें, आपको क्या नहीं पता, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं पता। तो कोई बात नहीं, आपको फॉर्मूला पता है रेजिस्टेंस का, रो एल बाय ए, तो रो एल बाय ए से एरिया एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, आपको इसमें रेजिस्टिविटी पता है, लेंथ पता है और रेजिस्टेंस पता है, तो क्या आ जाएगा, एरिया। उस एरिया को आप यहां पुट करेंगे, लेंथ पता है, डेंसिटी पता है, तो क्या आ जाएगा, मास। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक, नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन, तो शायद कर लिया हमने स्ट्रेच सिक्स, वायर ऑफ, हाँ हाँ ठीक है, सही कह रहे हो, ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है, क्योंकि रेडियस डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ एन, तो रेडियस कितने टाइम्स हो गया, वन बाय एन टाइम्स, जो सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, रेडियस डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ एन है, हाँ ये तो स्ट्रेचिंग की, इसमें शॉर्टकट लगेगा कहाँ, वो तो तब लेते हैं, शॉर्टकट तब होता है जब आप किसी लेंथ को एन टाइम्स करते हो, तो रेजिस्टेंस एन स्क्वायर हो जाती है, याद करो, ये तो रेडियस है, रेडियस कितना हो गया, आर बाय एन। तो मुझे लगता है कि इसको हम ऐसे ही करके देख लेते हैं, कि जैसे सपोज
जैसे सपोज आपके पास एक वायर है, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं कि आपके पास ये एक वायर है, इस वायर का रेडियस कितना है आर, रेजिस्टेंस कितनी है कैपिटल आर, लेंथ कितनी है एल, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाय एरिया, क्लियर हो गया। फिर दूसरे केस में वो कह रहे हैं कि हमने इसको स्ट्रेच कर दिया ताकि लेंथ पता नहीं कितनी हो गई लेकिन रेडियस कितना हो गया आर बाय एन हो गया, ऐसे हुआ रेडियस आर बाय एन हो गया, तो वॉल्यूम दोनों वायर्स का विल रिमेन सेम और इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी रो एल बाय एरिया, एरिया की जगह आर बाय एन का होल स्क्वायर, ठीक है यहां तक। तो ये टर्म आ गई आपके पास, इसके अंदर अगर मैं आर डैश निकाल दूं इन टर्म्स, एल डैश निकाल दूं इन टर्म्स ऑफ एल, तो दोनों को डिवाइड करके आर डैश आर का रिलेशन आ जाएगा, तो वॉल्यूम सेम कर दो ना, तो वॉल्यूम इस वायर का कितना है पाए आर स्क्वायर एल, इस वायर का कितना है पाए आर बाय एन का होल स्क्वायर इंटू एल डैश, पाए से पाए कैंसल, आर स्क्वायर इंटू एल, आर स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इंटू एल डैश, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, तो एल डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी एन स्क्वायर इंटू एल, तो आप यहां पे पुट कर देंगे यहां पे रो इंटू एन स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाय पाए आर बाय एन का होल, ये आपकी क्वेश्चन नंबर टू, ये आपकी क्वेश्चन नंबर वन। अगर आप सेकेंड और फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करेंगे रो एल आर सब कैंसल, आर डैश और आर का रिलेशन आ जाएगा, कितना आंसर आ रहा है एन की पावर फोर, एन की पावर फोर। वैसे तो मुझे वॉल्यूम से भी पता लग ही गया था, उसने क्या कहा आगे करने की जरूरत भी नहीं थी, जब मैंने वॉल्यूम को इक्वेट किया ना तो मैंने देखा जो नई लेंथ है वो एन स्क्वायर टाइम्स पुरानी लेंथ है, तो अगर लेंथ एन टाइम होती है तो रेजिस्टेंस एन स्क्वायर हो जाती है, अगर लेंथ नई एन स्क्वायर टाइम्स है तो रेजिस्टेंस एन स्क्वायर का स्क्वायर एन की पावर फोर टाइम, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, लेंथ की रेशियो लेंथ कितने टाइम स्ट्रेच हुई वहीं से रेजिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड, तो शॉर्टकट यहां पे लग सकते हैं उसके बाद। क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन में डाउट, सेवेंथ में एक वायर ली जिसकी रेजिस्टेंस 9 ओम है, ठीक है 9 ओम है ले ली, उसके बाद क्या किया उसको कट कर दिया, देखो उसको स्ट्रेच नहीं किया काट दिया, लेंथ यानी कि 1/3 होगी और रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंडेंट है, तो अगर लेंथ 1/3 होगी तो रेजिस्टेंस भी 1/3 हो गई, तो अगर रेजिस्टेंस 9 ओम है 1/3 1/3 1/3 करने के बाद 3 3 3 ओम हो गई, पहला पार्ट क्लियर है। फिर वो कहता है जो हमने तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, जो एक पोर्शन है कोई भी एक पोर्शन ले लो इसको 3 times स्ट्रेच कर दिया, जब हम लेंथ को 3 गुना ज्यादा स्ट्रेच करते हैं तो रेजिस्टेंस एन स्क्वायर हो जाती है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 times हो गई, तो इसको आपने स्ट्रेच किया 3 times तो 3 square into 3, इसको आपने स्ट्रेच किया 3 times तो 3 square into 3 इसको भी किया, तो नई रेजिस्टेंसेज आ गई। फिर वो करें तीनों रेजिस्टेंसेज को किस में लगा देना है इन पैरेलल, तो पैरेलल में लगा के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, ये क्वेश्चन आंसर 9 ohm है, ठीक है यहां तक। क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट, 8 में लेंथ की रेशियो गिवन है 1L और 2L, डायमीटर की रेशियो गिवन है, आपको क्या निकालना है कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज के अंदर क्या होता है करंट सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है IR1 IR2, I सेम है तो R1 R2 की रेशियो निकाल लो, और रेजिस्टेंस क्या होती है रो एल बाई ए, तो रो इंटू एल बाई एरिया पाई डी स्क्वायर बाई फोर, यहाँ डायमीटर 2D है तो 2D पुट करेंगे, और इस केस में रो इंटू 2L बाई पाई इंटू 3D बाई 4 का स्क्वायर आंसर, ठीक ठीक, कोई डाउट इसमें ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट, क्वेश्चन 11 मैंने थोड़ा ऐसा मैंने सही नहीं किया, 11th क्वेश्चन के अंदर ना 11th क्वेश्चन के अंदर मुझे सीधा नहीं लगाना चाहिए, मैंने सीधा लगा दिया, मेरे को दो केस बनाने चाहिए। उसने क्या कहा एट रूम टेम्परेचर 27 रेजिस्टेंस इज 100, तो यानी कि एट 27 डिग्री सेल्सियस
रेजिस्टेंस जीरो, क्योंकि बेस क्या लेते हैं जीरो, वन प्लस एल्फा इंटू टेम्परेचर कितना है 27, इक्वेशन नंबर वन। और ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी 100 ओम। फिर क्या कह रहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर अगर रेजिस्टेंस 117 है, तो दूसरे केस में रेजिस्टेंस गिवन है आर जीरो, वन प्लस एल्फा इंटू टी क्या निकालना है इसमें टेम्परेचर। दो दो क्वेश्चंस क्लियर है, तो अब आप इन दोनों को क्या कर लेंगे डिवाइड, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, तो यहां से एल्फा आपको गिवन है, तो यहां से सॉल्व करके टी कैन बी कैलकुलेटेड। ऐसा करना चाहिए मुझे, कितने लोगों ने ऐसा किया, आंसर आया ठीक। ऑनलाइन वालों को क्लियर है, दो केस करने चाहिए आपको। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट में डाउट 12th, 13, 14, 15, सीरीज पैरेलल का सिंपल क्वेश्चन है ये, सीरीज पैरेलल का ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, सीरीज पैरेलल है ये भी, आंसर मुझे पता नहीं, मैच नहीं हो रहा, हाँ इसका गलत आंसर है, 5 आ रहा है, ओके 5 कर लेना, 5 आंसर है। नेक्स्ट क्लियर है, ठीक, इसका आंसर मुझे पता नहीं क्या है, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ये वाला एक बार करा लूं, कौन सा क्वेश्चन नंबर 19th क्वेश्चन के अंदर देखो, इसमें साफ गिवन है ये दोनों किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल, जो आंसर आएगा इसके साथ इन सीरीज, जो आंसर आएगा इसके साथ इन पैरेलल, जो आंसर आएगा इसके साथ इन सीरीज, ठीक है रिद्धि? यस सर, मैंने एक्चुअली वो अब सीरीज में कर दिए थे ऊपर में। ये क्लियर है, ठीक है, यस। नेक्स्ट, ये शीट की प्रॉब्लम थी, ऐसी डाउट है पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट शीट की प्रॉब्लम है, सीरीज पैरेलल सिंपल क्वेश्चन है, शीट की प्रॉब्लम है, ये भी शीट की प्रॉब्लम है, याद आ रहा है ना। नेक्स्ट 26th, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की प्रॉब्लम है, 27th, ऑनलाइन, 24th, 24th में ये रहा, ये तीनों पैरेलल में नहीं लग रहे आपको, देखो 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 देखो, ये क्या है V1, ये क्या है V2, ये V1, तो इसमें रेजिस्टेंस नहीं है तो V1, तो यहाँ पे V1 माइनस V2, अब ठीक है, हर तरफ से V1 माइनस V2 पैरेलल हो गए, ठीक ठीक है, 20 पोटेंशियल ड्रॉप इन इट किस में, ईच रजिस्टर में, हर रजिस्टर में निकालना है, तो ये पैरेलल में लगेगा, इसके बाद सीरीज में लगेगा, तो नहीं तो ऐसे कर लो, 60 एम्पियर आ रहा है वो डिवाइड हो जाएगा इनमें I1 I2 I3, और किस रेशियो में, रेजिस्टेंस की उल्टी रेशियो में, तो जैसे I1 I2 I3 विल बी इक्वल टू 4:6:12, उसके बाद आप 60 एम्पियर को डिवाइड कर लेंगे इस रेशियो में, करंट आ जाएगा, करंट आ गया तो I into R से V आ जाएगा, वैसे तो एक में भी V आ गया तो सभी में V विल रिमेन सेम, पैरेलल है तो V सेम रहेगा, एक में निकाल लो सभी में आ जाएगा, नहीं तो ऐसे भी और आसान है, इन तीनों को पैरेलल में लगा लो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई, उसको 60 से मल्टीप्लाई कर लो तो V आ गया, तो क्योंकि वो रेजिस्टेंस किससे बनी हुई है पैरेलल में, तो V तीनों में क्या रहेगा सेम, वो ज़्यादा आसान है, ज़्यादा रेशियो लेने की जरूरत ही नहीं है, सीधा गया। 26th, 27th, 28th, कितनों का आ गया आंसर 28th, कितनों का नहीं आया, किया नहीं लगता बाकियों ने, 29th में गैल्वेनोमीटर टुगेदर विद अननोन रेजिस्टेंस इन सीरीज,
इज कनेक्टेड अक्रॉस टू आइडेंटिकल बैटरीज ईच ऑफ 1.5 वोल्ट। ठीक, बैटरीज सीरीज में कनेक्टेड है और करंट कितना आ रहा है 1 एम्पियर। बैटरीज पैरेलल में कनेक्टेड है तो करंट कितना आ रहा है 0.6 एम्पियर। देखो दो केस हैं, पहले दो बैटरीज किस में कनेक्टेड है सीरीज में, फिर दो बैटरीज किस में कनेक्टेड है पैरेलल में। तो केस नंबर वन, जब बैटरी सीरीज में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगी 1.5 प्लस 1.5। बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी 2R, एक्सटर्नल कितनी है कैपिटल R, तो करंट कितना गिवन है 1। पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो आइडेंटिकल बैटरीज अगर पैरेलल में है तो ईएमएफ क्या रहेगी E, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी R/2, एक्सटर्नल कितनी है कैपिटल R, और करंट क्वेश्चन में गिवन है 0.6। इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आंसर कैन बी कैलकुलेटेड। कैपिटल R निकालना है, कैपिटल R आ जाएगा। तो दो इक्वेशंस क्लियर है, एक बार बैटरीज को किसमें सीरीज में और एक बार बैटरीज को किसमें पैरेलल में। क्लियर है तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये? यस सर। ठीक, ओके सर। बोलो सर, एक बार प्लीज वो 28th क्वेश्चन बता दो। 28th में अगर बैटरी 6.6 वोल्ट की है, सप्लाईज अ करंट ऑफ 3 एम्पीयर थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 1.8 ओम, व्हाट करंट डज इट सप्लाई थ्रू अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 2.9 ओम, ये रेजिस्टेंस चेंज कर दी, करंट क्या होगा? बैटरी सेम है तो मान लो बैटरी की इंटरनल कितनी है स्मॉल आर, तो केस नंबर वन में करंट क्या बनेगा, करंट 3 इज इक्वल टू 6.6 ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो यहां से करंट पता है, यहां से स्मॉल आर आ गया। दूसरे केस में करंट निकालना है 6.6 डिवाइडेड बाय सम ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, तो इंटरनल ऊपर से नीचे पुट करके आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक, कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ऐसा लगता है कई बच्चों के बॉडी लैंग्वेज से कि प्रैक्टिस नहीं करके आए, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नहीं करके आए। ये अगर एनसीईआरटी की शीट प्रैक्टिस नहीं होती ना, इससे नीचे नहीं कुछ हो सकता। इससे नीचे तो मुझे लगता है कि नॉन मेडिकल करने का फ़ायदा ही क्या है यार, अगर यही नहीं कर पा रहे 4 साल के बाद कौन सी मशीन बना लोगे तो बता दो। ठीक, तो थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओ, क्योंकि अल्टीमेटली करना तो पड़ेगा ही। ठीक, अगली बार टेस्ट है आपका, क्योंकि अब ऐसे नहीं करोगे, टेस्ट से तो करोगे ही, तो आपका अगली बार टेस्ट है। टॉपिक्स मैं बता दूंगा आपको कौन से हैं, प्रिपेयर करके आने हैं। फिर उसके बाद संडे को भी टेस्ट है आपका, वो ऑनलाइन टेस्ट है, मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा क्या टेस्ट है, फेजेस में लूंगा मैं, छोटे छोटे टॉपिक्स डिवाइड करके लूंगा मैं। फिर ट्यूसडे को भी टेस्ट है, टॉपिक बताऊंगा क्या टेस्ट है। 3 बार टेस्ट होगा, तब जाके अगले संडे को फिर इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा टेस्ट दे पाओगे। तो अगले 10 दिनों के अंदर आपके कम से कम 4 टेस्ट तो पक्के इलेक्ट्रिसिटी के पक्के हैं ही हैं। मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा यार, जब तक ये बार बार रिपीटिशन में टेस्ट नहीं होंगे तब तक तैयारी नहीं होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टेस्ट से अपने इलेक्ट्रिसिटी। बीच में छुट्टियाँ आ गई थी ना, तो वो बीच में ब्रेक हो गया मोमेंटम थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं, ठीक कर लेते हैं। आगे बढ़ने की बजाय पहले टेस्ट पे फोकस करते हैं, नहीं तो आगे चलते चलते फिर ऐसा ना हो कि कहीं पिछला खराब हो जाए। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, अगली बार नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी की जो इलेक्ट्रिसिटी है, एक टॉपिक रह जाएगा पोटेंशियोमीटर, वो अगली बार खत्म हो जाएगा। तो मतलब एनसीईआरटी में जो आपका कोर्स आना है इलेक्ट्रिसिटी का, वो सारा खत्म है अगली बार। उसके बाद जो लेक्चर लगने हैं वो कुछ कॉम्पिटिशन के लगने हैं, और तब तक आप इसके टेस्ट भी दोगे, तो एनसीईआरटी लेवल तो एटलीस्ट आपको करना ही पड़ेगा। तो एनसीईआरटी के लेवल के 3 टेस्ट दो, फिर इतनी देर में 1 हफ्ता और दूंगा, कंपटीशन की तैयारी करवाऊंगा, उसके बाद फिर आप ऑब्जेक्टिव बुक्स भी सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव शीट्स भी हम डिस्कस करेंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे, फिर आप ऑब्जेक्टिव्स, और मैं आपको शीट्स भी दूंगा 2021 और जो लेटेस्ट पेपर्स हैं। फिर 10 दिन के बाद ऑनलाइन टेस्ट ऑब्जेक्टिव होगा। तो क्लियर है यहाँ तक? तो ये अब स्ट्रैटेजी चलेगी, आप तैयारी करनी शुरू कर दो। तो जो आपने इलेक्ट्रिसिटी अभी स्टार्टिंग से रिवाइज करना शुरू करो, कौन कौन से टॉपिक्स अगली बार आएंगे मैं व्हाट्सएप पे अभी जाते हुए 8 बजे तक आपको दे दूंगा मैं, ठीक है, ताकि आप, मैं डिले ना करूं, ताकि टाइम से दे दूंगा, आप टाइम से तैयारी कर लेना। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है,